टाइट है एकदम। हाँ क्या बात है, अच्छा चलिए। चलिए आज अपना व्लॉग जो है इसमें देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ प्रयागी पे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं आ चुका हूँ इस टाइम पे सेंट जोसेफ स्कूल के सामने। और यहाँ पर आया था, ये KD कैंपस कोचिंग है। तो यहाँ का कुछ शूट था, शूट वगैरह कैसे क्या करता हूँ मैं, आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर चेक कर सकते हैं, जो कि है prayagraj_official। नीचे इंस्टाग्राम ID दी है, तो उसमें ये सारा सीन आप देख सकते हो। फिलहाल बहुत से लड़के, बहुत से बच्चे जो प्रयागराज में प्रिपरेशन करने आते हैं वनडे एग्जामिनेशन की, तो मुझसे पूछ रहे थे कि भैया प्रयागराज में कोचिंग वगैरह कुछ सजेस्ट करो। तो चूंकि मैं अंदर शूट करने गया था, तो मुझे एक बात अच्छी लगी इस कोचिंग की कि जैसे और अदर कोचिंग में क्या होता है ना कि भेड़ बकरी की तरह बच्चे बैठाए जाते हैं, एक ही क्लास में इतना भर के बैठाए जाते हैं ना कि मतलब कमर टूट जाती है, इंसान पढ़ेगा क्या, बैठने में ही जो है एकदम स्ट्रगल हो जाता है। तो यहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती है, तो बच्चों को जो है आराम से बढ़िया AC वगैरह सारा सीन दिया हुआ है। फिलहाल अभी यहाँ से प्लान बना है जाने का, जलेबी पैक करानी है और दही जलेबी पैक कराते हैं, सैनिक स्वीट्स चलते हैं। मम्मी ने बोला कि जलेबी पैक करा के लाओ, सुबह का टाइम है। तो अभी थोड़ा सा शूट करते करते लेट हो गया है, देखते हैं जलेबी ख़त्म ना हो गई हो, बिकॉज बहुत ही फेमस शॉप है प्रयागराज की। तो नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके इस टाइम पे बाबा चौराहा। भैया बता रहे हैं कि बाबा चौराहा के पास में अशोक नगर में है आपका सैनिक स्वीट्स। तो यहाँ फिलहाल जलेबी पैक कराते हैं, सुबह का टाइम है। मम्मी ने ऑर्डर किया था कि जलेबी लेकर आना, तो जलेबी वैसे उन्होंने आसपास से ही लाने के लिए कहा था, लेकिन मैं कहा जब जलेबी ला ही रहे हैं तो बढ़िया सैनिक स्वीट्स से लाते हैं, बिकॉज यहाँ की जलेबी तो फेमस है प्रयागराज में। चौराहे का नाम बताया बाबा चौराहा, तो पहली बार हम खाने जा रहे हैं, देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है ना। तो फिलहाल पहली बार तो नहीं, कई बार खा चुके हैं, प्रैंक कर रहे थे प्रैंक। और बाकी ये है आपका सैनिक स्वीट्स। चलिए तो भैया जलेबी कितने बजे तक आपके यहाँ अवेलेबल रहती है? 7 बजे से 11 बजे तक। अभी छन नहीं रही है, गर्मा गर्म है ना। लेकिन क्या रेट है जलेबी का? 180 रुपये किलो। चलिए आधा किलो पैक वहाँ से मिलेगा। तो फिलहाल जलेबी छन चुकी है, रखी हुई है, और सैनिक स्वीट्स तो पहले भी आके व्लॉग बनाया गया है। और यहाँ पे अगर और आइटम्स की बात की जाए तो खस्ता हो गया, पपड़ी हो गया, रसगुल्ला, ये मूंग का हलवा, घरा वाला पालक का हलवा, पालक का हलवा, वाह बन रहा, क्या बात है। तो फिलहाल यहाँ पे अभी समोसा वगैरह अवेलेबल है? तैयार है। समोसा कितने बजे रेडी हो जाता है? 7 से 10। 7 से 10 में रेडी हो जाता है? 7 से 10, रात 10 बजे तक मिलता रहे। अच्छा, सुबह 7 से रात 10 तक समोसा अवेलेबल रहता है। दम आलू के साथ खाएंगे तो मजा आ जाएगा। हाँ, दम आलू छोले के साथ दोनों में मजा आएगा। अच्छा, पूरी गारंटी है? चलिए बढ़िया। चलिए पहले जो है जलेबी पैक कराते हैं, और भैया जो है बड़े खुश हैं, जलेबी खाएं लग रहा है इसीलिए खुश हैं। आधा किलो जलेबी पैक होगी। फिलहाल आधा किलो जो है जलेबी ऑर्डर करी है, और दही ले लिया है भाई, क्योंकि यहाँ के दही का टेस्ट अलग ही रहता है। और बाकी यहाँ पे मिठाई से लेके केक्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। हम फिलहाल दही जलेबी उठाते हैं, और भैया बड़े खुश हैं। ये हमारा दही हो चुका है, ये लीजिए। जलेबी छनती हुई यहाँ पे, एक नंबर। हाँ क्या बात है, वाह, थैंक यू सो मच। और जो है अच्छा लगा मिलके। और बाकी हमारा जो है जलेबी भी पैक हो गया है, थैंक यू सो मच भैया। तो भैया भी आ चुके हैं वीडियो में, देखिएगा जरूर, हमारा YouTube चैनल है घुमक्कड़ प्रयागी। ये मेरी दुकान सैनिक स्वीट्स, सैनिक स्वीट्स आइए जो है, जलेबी दही खाइए, प्रभु के गुड़ गाइए का। और आप लोग बनाते भी है, खाते भी है? हाँ, बनाते भी है, खाते भी है। वाह भैया, एकदम माहौल आठ तेरी। ये सैनिक स्वीट्स और ये यहाँ पे काम करने वाले लोग। तो समोसे का सारा जो है सिस्टम आप संभालते हैं, क्या बात। फिलहाल दोस्तों हम लोग आ चुके हैं साईं मंदिर, और हमारे यहाँ पे भाई मिल चुके हैं, भैया मिल चुके हैं, जिन्होंने हमें पहचान लिया। तो हमारे वीडियोज देखते हैं आप? थैंक यू सो मच, आप हमारे वीडियोस देखते हैं, आप लोग मिलते हैं ना तो अच्छा लगता है मिलके। चलो पहले जूता यहाँ उतारते हैं, दर्शन करते हैं साईं जी के, और फिर यहाँ से घर के लिए रवाना होंगे। अरे मोजा उतार दी, नहीं तो गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे आके बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। कोई भी दिक्कत हो समाज की, जो है बहुत टेंशन में हो, यहाँ पर आके शांति से बैठ जाओ, बैकग्राउंड में जो साईं जी का गाना बज रहा है, और काफ़ी शांति रहती है, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अब चलते हैं यहाँ से घर, जलेबी नहीं तो हो जाएगी ठंडी, और फिर अभी मुझे सिविल लाइन से वापस भी आना है। तो चलो, बाकी जूता वगैरह यहाँ पर रखने की व्यवस्था है फ्री ऑफ कॉस्ट, और पानी वानी पीने की व्यवस्था भी है, लेकिन वहाँ पर कुल्ला मत करिएगा लिखा हुआ। अभी दोस्तों हम लोग तनिष्क चौराहे के पास में, और प्रयागराज में समोसे की बात की जाए तो हीरा हलवाई के समोसे की तो अलग ही बात है, बहुत फेमस है यहाँ का समोसा। लेकिन फिलहाल अपन ने जो है जलेबी पैक करवाई है, तो समोसा खाने का मन तो है, लेकिन अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा अपने जीभ पे, अपने पेट पे, और फिलहाल समोसा अभी कैंसिल करते हैं। और आइए आपको मम्मी से मिलाते हैं। ये लो मम्मी, जलेबी ले आए हैं सैनिक स्वीट से। और मम्मी से आपको मिलाया नहीं था वैष्णो देवी दर्शन के बाद, तो कैसा रहा वैष्णो देवी का दर्शन, हमारी ऑडियंस को भी तो बता दो। बहुत एंजॉय किया हमने।
और मम्मी जब से वहां से आई है ना वैष्णो देवी ट्रिप से, तन तो यही है लेकिन मन जो है माता वैष्णो देवी धाम पे लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वहीं पर है ना। ये हमारी दही जलेबी है तो फिलहाल इसको खाते हैं और सिविल लाइन्स निकलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी आ चुके हैं विशाल मेगा मार्ट, कुछ शॉपिंग करनी थी तो विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग करते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे आपको लेकर दिखाएंगे प्रयागराज की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक शॉप को। तो चलते हैं फिलहाल, एंट्री यहाँ से। तो भैया विशाल मेगा मार्ट आने का रीज़न ये था कि हमें यहाँ से दो टी शर्ट लेनी थी जो कि एक के साथ एक फ्री मिल रही है 300 रुपया में, दो ठो और ले गए थे, दो ठो और लेके जा रहे हैं। तो हमारे आने वाले व्लॉग में ये हम आपको पहन के दिखेंगे। जितने भी लड़के हो ले सकते हो भाई, ऑफर सही चल रहा है यहाँ पे, कपड़े की क्वालिटी भी मस्त रहती है। भैया को भी पसंद आ गया कपड़ा तो भैया इसीलिए ले लिए, देखा तो रहना, तो हम पूछा कैसा लग रहा है, कैसा सही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि विशाल मेगा मार्ट में मैंने ये दो टी शर्ट्स लिए और मुझे सिर्फ 269 में दो टी शर्ट्स मिली हैं। बहुत सही ऑफर चल रहा है भाई विशाल मेगा मार्ट, क्या बात है। अभी मैं इस टाइम पे हूँ संगम पैलेस चौराहे के पास में, ये है आपका संगम पैलेस चौराहा, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ प्रयागराज की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक शॉप। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, के सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पर एक ऐसी चीज़ आपको दिखाऊंगा ना कि आप लोग कहोगे क्या बात है। मतलब बहुत जगह आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे टीवी पे, फ़ोन पे, लेकिन आपको ऐसी जगह अपने व्लॉग दिखाता हूँ ना कि आप भी कहोगे भाई भौकाल है। चलिए आज अपना व्लॉग जो है इसमें देखते हैं। देखिए सर्च किया हुआ है लोगों ने, मेरे व्लॉग देखते हैं यार लोग। देखिए बस GHU डाला, हमारा मक्कड़ प्रयागी आ चुका है। तो लास्ट वाला व्लॉग आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, उसे प्ले करते हैं, जिसमें चाची बेचारी नाराज़ हो गई थी बहुत। मेन कटरा का मार्केट, तो यहाँ पे घड़े वगैरह आप देख रहे हो मिल रहे, तो घड़े का रेट पता करते हैं कितने का है, क्या सीन है। देखिए फ्रिज है और फ्रिज पे मेरा व्लॉग प्ले हो रहा है, और इसमें आंटी बेचारी नाराज हो गई थी। हम पहली बार आ रहे हैं ना, तो आपको आंटी का मास्क दिखाते हैं। आंटी का मास्क, ये देखिए इनका मास्क, 1 2 3 और बिना नल वाला, ये देखिए मास्क। हाँ आंटी जी क्या बात है। तो अब आप लोग मानेंगे मेरी बात को कि आपको कुछ अलग दिखाया लोगों ने, टीवी कंप्यूटर फोन पे अपने व्लॉग प्ले किए होंगे, देखे होंगे, लेकिन आज फ्रिज पे अपना व्लॉग चला के दिखा दिया है। मुझे थोड़ा सा ट्रैक किया तो सोचा कि आपको दिखाते हैं। आपको बताना चाहूंगा स्ट्रगल, पूरी गद्दी गर्म हो गई, एकदम भभक रही है, और पानी भी खत्म हो गया, इतना पानी था पीछे का ही जो है गीला हो पाया, आगे का पूरा गर्म है। अब इस पे बैठ रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ भरी दोपहर में, तो भैया इस बात पर वीडियो को लाइक कर देना। हाँ दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मूड फ्रेशर्स पे, और यहाँ पे दाल चावल ऑर्डर किया है, और अभी दाल चावल ही खा रहे हैं, बिकॉज कहीं भी बाहर रहते हो तो दाल चावल बेस्ट होता है, हेल्थ को नुकसान भी नहीं पहुँचाता है और पेट भी भर जाता है, तो लाइट खा रहे हैं। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो नैनी जाकर एक ऐसी फूड लोकेशन कवर करनी है जो कि दोपहर में ही कवर की जा सकती है, शाम के टाइम तक उनके स्टॉक्स खत्म हो जाते हैं और काफ़ी फेमस है वहाँ पर। प्रयागराज में आपको दिलाते हैं मुंबई के मज़े, आप लोग गेस कर लो। फिलहाल बाकी वहाँ पहुँच के आपको बताएंगे कि वो लोकेशन कौन सी है। हाँ बहुत टेस्टी दाल चावल है यार, मज़े आ गए, क्या बात है। तो फिलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ नैनी में, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:16, यही वो बड़ा पाव है जिसकी मैं बात कर रहा था। पिछले 3-4 दिन से परेशान था, हमारे यहाँ एक मित्र रहते हैं, उनसे बार बार जो है पता करवाता था कि देखो पता करो शॉप खुली है कि नहीं फिलहाल, लेकिन अभी दोपहर में मैं आया हूँ तो शॉप खुली है और वड़ा पाव भी अवेलेबल है। तो फिलहाल 20 रुपये का वड़ा पाव है, और टेस्ट की बात करें तो भाई जो है ये मुंबई के ही हैं, तो आइए इनसे आपको बात कराते हैं। नमस्कार भैया, मैं एक वीडियो बनाने आया हूँ आपका, आपका लास्ट एक मंथ पहले मैंने जो है वड़ा पाव ट्राई किया था, मुझे टेस्ट काफ़ी पसंद आया था, हमारे मित्र ने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि हमारे मित्र मुंबई में रह चुके हैं तो उन्होंने बताया था कि जो आपके वड़ा पाव का टेस्ट है वो मुंबई के वड़ा पाव का लगभग 90-95% सिमिलर टेस्ट है, और आप भी चूँकि मुंबई से हैं मुझे लग रहा है, तो इसका टेस्ट जो है मुंबई के वड़ा पाव से काफ़ी मैच करता है। तो मैं एक महीने बाद फिर से खाने आ गया, मैं अल्लाहपुर से आया हूँ और मैं सिविल लाइन्स पर सारा काम निपटा के मैंने कहा अब नैनी चलना है, और आपका स्टॉक मैंने सुना है कि जो है 2-3 बजे तक खत्म हो जाता है, दोपहर के शाम में बंद कर देते हैं आप। तो बगल में श्वेट्स कॉलेज है, एग्रीकल्चर है, तो आसपास के स्टूडेंट्स और नैनी के जो लोकल लोग हैं वो आके इनका वड़ा पाव खासा पसंद करते हैं, और इनका समोसा भी बड़ा डिमांडिंग है। आप जरा समोसा देखें इनका, आप समोसे का साइज देख रहे हैं, कितने का समोसा है ये? 12 रुपये पीस समोसा है भैया, एक समोसा खा लेंगे पेट भर जाएगा क्या। आपको वड़ा पाव पसंद है इनका? तो ये रेगुलर कस्टमर्स वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं, और बाकी वड़ा पाव का प्राइस है 20 रुपये। तो भैया 2 पैक कर दीजिए और एक मैं खा के जा रहा हूँ ना। एग्जैक्टली लोकेशन लोगों को बतानी हो तो क्या बताऊंगा? एग्रीकल्चर कॉलेज 2 नंबर गेट के पास में सुजीत भैया जो है लगाते हैं। धन्यवाद। खाओगे तो याद रखोगे सौरभ भाई को कि भाई इतनी धूप में वीडियो बनाया था, आपको बताया था इस लोकेशन के बारे में। भैया इनका पाव देख सकते हैं, आपको डिफरेंट मिलेगा अदर वड़ा पाव, जो मतलब वड़ा पाव जितने भी लगाते हैं प्रयागराज में। तो धन्यवाद भैया इसके लिए, और टाइमिंग थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारी टाइमिंग शाम को 7 बजे। अच्छा सुबह 7 बजे लगाते हैं? 7 से 7 तक की टाइमिंग। अच्छा मुझे लगा दोपहर 12-1 बजे से लगाना स्टार्ट करते हैं, तो जो लोग भी खाना चाहते हैं सुबह भी आ सकते हैं। फिर अच्छा लगा, चलो थैंक यू बाय।
तो दोस्तों दोपहर में वड़ा पाव कवर करने के बाद बिल्कुल शरीर में हिम्मत नहीं थी, घर आके बॉडी टूट रही थी और भाई एकदम ऐसा लग रहा था झुलस गया हूँ दोपहर में। तो उसके बाद शाम भर आराम किया, एक रील की एडिटिंग करनी थी इंस्टाग्राम के लिए तो वो एडिट किया, बाकी यही जो टी शर्ट मैंने ली विशाल मेगा मार्ट से। तो खाने में आज बना है कद्दू की सब्जी और इसमें है रोटी और चावल नहीं है क्या। और आइए आपको मिलाते हैं राजा साहब से, ये हमारे राजा साहब है मोटू जिनका नाम है, लेकिन अभी मोटू तो रहे नहीं और इनके कुछ दिक्कत हो गई है, मतलब कान के पास बाल और पता नहीं कैसे झड़ गया इनके, कीड़ा उड़ा काट ली थी पता नहीं कहा हुआ है, किसी को कुछ दवा पता हो इसके लिए तो जरूर बताना। बाकी तो मोटू एकदम ठीक है, भागता भी नहीं है, सारे अंदर का पड़े रहते जब बाहर क्या कर रहा छी। तो ये मेरे चाचा का लड़का यश जो कि रिशु से बड़ा है और वो शुभी है जो कि हंस रही है कह रही है कि वो बनियान पहने और आप व्लॉग शूट कर रहे हो, दलटिकिया खा रहे हो। और देखिए घर पे खुद का जिम बनाया है इसने, ये सारी एक्सरसाइज की मशीन इसने खुद जो है खरीदी है। और ये देखिए ये एक्सरसाइज करने के बाद ये नाली बनी है। वैष्णो देवी का एक्सपीरियंस नहीं बताया हमारी ऑडियंस को, कैसा रहा वैष्णो देवी का एक्सपीरियंस वहां से आने के बाद, अभी कैसा लग रहा है? मन वहीं पे लगा। मेरा भी पहली बार ऐसा हुआ था जब फर्स्ट टाइम माउंटेन्स देखे थे ना, तो एकदम दिमाग में ही घूम रहा था माउंटेन्स, कह रहे यार मैं क्यों आ गया वहां से यहाँ। तो वैसा अभी इन लोग कुछ फील कर रहे हैं, कोई ट्रिप प्लान करेंगे, दिमाग में है एक जगह, आप लोग गेस करना, महादेव से ही रिलेटेड है लेकिन कौन सी जगह है कैसा है वो आप लोग गेस करते रहना। और आप लोग कमेंट्स में बताना कि जिसके यहाँ चावल बचा रहता है रात में तो कौन कौन फ्राई करवाता है अपनी मम्मी से। मैं तो हमेशा फ्राई करवाता हूँ बिकॉज जैसे सूखा चावल खाने का मजा नहीं आता ना मम्मी, और मम्मी को भी बहुत ज्यादा मजा आता है फ्राई करने में चावल ना। हमारा काम बढ़ाए रहते हैं। मतलब ये छोटा सा सुराही 80 रुपए का और ये इतनी बड़ी फ्रिज, उससे भी अच्छा पानी का टेस्ट तो ये दे रहा है। कुतिया नंबर 2 स्पॉटेड। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। आज की वीडियो कुछ अलग तरीके से एंड करते हैं हमारी दादी के साथ, तो दादी की चूंकि एज बहुत ज्यादा हो गई है तो अभी इन्हें इतना कुछ समझ में नहीं आता है तो उसे इग्नोर करिएगा। और फिलहाल आज के वीडियो में हमने आपको दिखाया, सबसे पहले हम गए थे सैनिक स्वीट्स से, विशाल मेगा मार्ट में टी शर्ट खरीदी, के सेल्स में फ्रिज पे अपना व्लॉग चलवा दिया, नैनी में जाके भरी दोपहरी में वड़ा पाव कवर किया आपके लिए। तो फिलहाल ये सारा कुछ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने ऐसे धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ प्रयागी पे। ये क्यों बोल रहा हूँ, तो सोचा था कि आप सबके साथ शेयर करना है इस मोमेंट को, इस फूड लोकेशन को।